हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो फाइनली आज सोल के जो एडमिशन है वो शुरू हो चुके हैं और जिसको लेके हमने डिटेल में वीडियोस बना दी है। तो एडमिशन के टाइम पे जो अंडर ग्रेजुएट का जो फॉर्म है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। आज हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर जरूर करना। और देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं, एडमिशन के टाइम पे और भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है, एडमिशन के बाद भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है, बट उसके लिए हम आप बैठे हुए हम आपको अपडेट करेंगे। तो अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है जब फॉर्म आप भरते हो तो पांचवा स्टेप है, पांचवा स्टेप जब आप अपना कोर्स सिलेक्शन करते हो। जी हाँ, कोर्स सिलेक्शन मतलब जब आप अपना जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, जैसे मान लीजिए बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल के साइंस के साथ कर रहे हो, या बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो, बी कॉम ऑनर्स कर रहे हो, बी कॉम प्रोग्राम कर रहे हो, तो तब आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, सेकंड सेमेस्टर के, कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने हैं। इतना याद रखना, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपको सेम सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करने हैं। इसके अलावा जब भी हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक से सब्जेक्ट ठीक सेलेक्ट करके सबमिट करते हैं, तो आपको इस तरीके का पॉपअप शो होता है, इनवैलिड कोर्स सिलेक्शन, यू नीड टू सेलेक्ट 0 credit बट यू हैव सेलेक्टेड 22 credit, यू मे हैव सेलेक्टेड सम कोर्स ट्विस्ट। तो ये पॉपअप सुबह से ही देखने को मिल रहा है और हमने भी काफ़ी बार ट्राई किया, हमको भी ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो यानी कि इससे आगे जो फॉर्म बढ़ नहीं रहा है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का, तो अब ऐसे में क्या किया जाए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ केवल क्लियर कर देता हूँ, आज ही एडमिशन शुरू हुए, 3 जून को ही एडमिशन शुरू हुए, और ऐसा नहीं है कि कल ही ख़त्म हो जाएंगे। मतलब कोई ये 1 हफ्ता 2 हफ्तों की कहानी नहीं है, ये महीने भर चलने वाली कहानी है। कुल मिला के बात है कि अभी लास्ट डेट की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो आप अनुमान लगा लीजिए जुलाई तक आपके एडमिशन चलेंगे। जी हाँ, जुलाई अगस्त तक, अभी से मैं आपको बता देता हूँ। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आपको अकेले को नहीं आ रही, ये प्रॉब्लम मोस्टली सारे ही स्टूडेंट को आ रही है जो भी आज फॉर्म फिल करने की कोशिश कर रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा 2 से 3 दिन बाद ट्राई करना, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, वरना 1 हफ्ते के अंदर प्रॉब्लम जो है वो आपको ठीक मिल जाएगी। क्योंकि अभी जस्ट फॉर्म आया है तो इसीलिए ग्लिचेस हमें देखने को मिल रही है, और ये जो टेक्निकल एरर है ठीक हो जाएगी, ये आपकी गलती नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट अपने पास सेलेक्ट करके रखिए, बाकी हम अब डिटेल में वीडियोस लेकर आएंगे कि हर प्रोग्राम में, हर कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, हम वीडियो लेकर आएंगे। बाकी जिनको भी इनवैलिड कोर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम टेम्परेरी है, ऑटोमेटिकली चली जाएगी, 2 से 3 बार ट्राई कर लेना, वरना 1 हफ्ते तक रुक जाइए, 1 हफ्ते बाद सारी प्रॉब्लम्स जो है इसके अंदर ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल रही है, पांचवें स्टेप के बाद फॉर्म आगे नहीं जा रहा है, और हमने काफ़ी ट्राई कर लिया, प्रॉस्पेक्टस वगैरह में भी देख लिया, बट ये प्रॉब्लम आ रही है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम उनकी तरफ से आपकी तरफ से नहीं है। वेट कर लीजिए और ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम आपको अपडेट करते रहेंगे जैसे जैसे जो भी अपडेट रहेगा। फिलहाल आप इसे अवॉइड कीजिए 2 से 3 दिन, 1 हफ्ते तक भी आप अवॉइड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वीडियो डाल दी है एडमिशन फॉर्म कैसे बनना है। तो 2 से 3 दिन में जैसे ही आप चेक कर लीजिए दोबारा लॉगिन, क्या प्रॉब्लम ठीक हुई है नहीं हुई है। ठीक है, अगर ठीक हो गई है तो फिल कर देना, नहीं हुई है तो थोड़ा और वेट कर लो। ठीक है, बस इतना सही था, इसमें और कुछ करना नहीं है, वेट कीजिए। थैंक यू।